सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पुदीना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और पुदीना वटी जो द्वारकेश प्रोडक्ट्स कंपनी की ओर से जो बनाई जाती है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि पुदीना वटी कैसे बनती है, उसके अंदर कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि पुदीना जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अलावा कौन से इंग्रेडिएंट्स के लिए मिलाए हुए हैं, इसके अलावा पुदीना के कौन से फ़ायदे हैं यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स कौन से हैं, इसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके डोज क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुदीना की। तो पुदीना एक बहुत मशहूर औषधि है। यह च्युइंगम, कैंडी, टूथपेस्ट और माउथवॉश में स्वाद लाने के लिए अति लोकप्रिय है। परंतु क्या आप जानते हैं, स्वाद लाने के साथ साथ यह आपके सेहत में भी सुधार लाते हैं। यह चिकित्सा जगत में प्रचलित रूप से एरोमा थेरेपी के उपयोग किया जाता है। आप पुदीना का इस्तेमाल पत्ते, तेल, चाय आदि के रूप में कर सकते हैं। पुदीना शरीर और मन पर ठंडा और शांत प्रभाव छोड़ती है। इसकी मुख्य वजह इसमें मौजूद मेंथोल है। यह जड़ी बूटी, मैंगनीज, तांबा और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी आदि गुणों की वजह से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आप पुदीने से बनी चाय या फिर सूप सलाद का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बात की अब पुदीना की, तो बात करते हैं ये पुदीना वटी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पुदीना वटी जो द्वारकेश प्रोडक्ट कंपनी की ओर से बनाई जाती है, ये जो 500 का पैकेट है, आप इसको अंदर छोटे पैकेट में बाजार में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसके अंदर बात करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर पुदीना पत्र यानी कि मेन इंग्रेडिएंट्स पुदीना के पत्ते मिलाए हुए हैं, जिससे 8.5 ग्राम इसके अंदर मिले होते हैं। उसके अलावा पिपली, जीरक, श्वेत, सुंठी, मरीच, कटुवीरा, रुषार, नींबू सत्व, आम्रफल अथवा समुद्र जलवल, शर्करा पर ब्रांडिंग है। इस प्रकार से दोस्तों, इसके अंदर मिलाकर ये पुदीना वटी बनाई जाती है। इसके अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट भी इसके अंदर पर 100 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, 47.63 ग्राम प्रोटीन्स, फैट, एनर्जी इत्यादि इसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी फ़ायदे की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, स्वादिष्ट, पाचक, मुखशोधक, रुचिकारक और भूख बढ़ाती है, उदर रोगों में उपयोगी है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं दोस्तों, तो पुदीना वटी दोस्तों सबसे पहले बात करते हो आईबीएस सिंड्रोम, जो आपने नाम सुना होगा, इरिटेबल बावल सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पेट में होने वाली ये जो तकलीफ है, जो इंटेस्टाइन की जो तकलीफ होती है, अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो अल्सर हो जाते हैं या फिर आईबीएस इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं, इसके कारण बहुत सारी तकलीफें होती है पेशेंट को। बार बार दस्त हो जाता है या फिर कब्ज हो जाता है। इसके अलावा अल्सर के कारण पेट में दर्द रहता है हर वक्त, इस प्रकार की इसके अंदर समस्या होती है। तो इसके अंदर इसके लिए भी ये जो पुदीना वटी है काफ़ी फायदेमंद है। तो पुदीना पेट दर्द, ब्लॉटिंग इत्यादि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाने में सक्षम होता है। डाइजेस्टिव एवं लिवर डिजीज जर्नल 2007 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि पुदीना के तेल से 4 सप्ताह उपचार करने से आईबीएस के रोगियों में पेट के लक्षणों में सुधार हो सकता है। आईबीएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए रोजाना दिन में आप 3 बार 2-2 गोलियां ये खा सकते हैं। पुदीना वटी की 2-2 गोलियां आप दिन में 3 बार लेंगे तो आईबीएस की प्रॉब्लम या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा बात करें तो आपको ये पुदीना वटी के कारण अगर पेट में आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम है, गैस के कारण पेट फूल जाता है, इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो भी ये पुदीना वटी आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 2-2 गोली आप दिन में 3 बार ले सकते हैं तो ये कोई भी प्रॉब्लम होगी पेट की तो उसके अंदर आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर पेट में कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो भी ये इसके अंदर राहत दिलाएंगी। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण आपको अगर मुँह में बदबू आ रही है या फिर बैक्टीरियल कुछ प्रॉब्लम है, दांत के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो भी इसके अंदर ये काफ़ी राहत दिलेगी और आपके मुंह में आने वाली बदबू धीरे धीरे करके एकदम फ्रेश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके काफ़ी सारे गुण से हेल्थ बेनिफिट्स ही है। तो ये मैंने आपको पुदीना वटी जो टेबलेट है इसके गुण के बारे में बात की है। इसके अलावा इसके जो पत्तों, इसकी या इसका
चटनी वगैरह इत्यादि में बहुत सारे अलग अलग मसाले के, मैंने आपको ये पुदीना वटी के बारे में पूरी इसको जानकारी दी है, तो पुदीना वटी के कारण जो पेट में होने वाली प्रॉब्लम से आपको काफ़ी निजात मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेज की, तो मैंने बताया इस प्रकार से अगर IBS की प्रॉब्लम या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम, तो आप दिन में 3 बार 2-2 गोली ले सकते हैं। इसके अलावा पेट की और प्रॉब्लम है जैसे गैसिस है या फिर एसिडिटी है, तो इसके अंदर आप 2 बार दिन में 2-2 गोली ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ठीक है, बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो दोस्तों ये बड़ी पैकेट में आती है, अगर इसको आप लूज़ करेंगे इसको काटेंगे तो इसके अंदर हो सकता है पेज का प्रॉब्लम के कारण ये खराब हो सकती है, इसलिए इसको आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। हो सकता है आपको ये द्वारकेश कंपनी की ना मिले, तो किसी भी कंपनी की आप पुदीना वटी ले सकते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको पुदीना वटी के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर कोई कॉमेंट है पुदीना वटी के बारे में या फिर पुदीना के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।